जाने यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे, काफ़ी लेट उठे थे तो ब्रेकफास्ट हमें खुद ही तैयार करना पड़ा। तो भाई ये कर रहे थे तो हमारा हाथ जल गया था लिटरली। आज मैंने अपना हाथ जला दिया, यूजुअली हम किचन में आते नहीं लेकिन जब आते हैं तो हाथ जला लेते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी भुजिया जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये हल्की फुल्की वाली चीज़ें मतलब मैं बना भी लेती और मुझे पसंद भी है ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, I have a sore throat, गले की बैंड बजी हुई है तो इग्नोर दिस, बट यस अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लिया है और राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम टास्क फॉर टुडे जो कि कंप्लीट करना है। यस तो लेट्स स्टार्ट। जी सीन ये है कि ये हमारे पास राइटिंग पीरियड है, राइटिंग पैड में निकलना क्या है कि हमने आज के टास्क लिखने हैं क्योंकि मैं मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं क्या होती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ वो सारी चीज़ें, तो हम लिख लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे। और मेरे पास 3 दिन हैं, 3 दिन में हमें बहुत सारे काम करने, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, तो उन 3 दिनों को हम इसमें लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। ज़िंदगी में हम अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं, कभी दूसरों की वजह से, कभी लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से, तो कभी हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन सिचुएशन की वजह से, तो कभी हम किसी ऐसे हादसा से गुजरे होते हैं कि उसके रिकवरी फेस में हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं करना। तो अपनी अब तक की ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही सीखा है कि नेवर लीव योर पैशन फॉर एनी थिंग फॉर एनी रीज़न। इवन अगर मैं ये कहूँ कि नेवर लीव योर पैशन फॉर एनीवन तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको खुशी दे रही हो, जो आपका दिल बार बार कह रहा है कि डू इट डू इट डू इट, प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ। दीज आर द फ्यू टास्क जो मुझे करने हैं। तो जी नाश्ता वाश्ता करने के बाद टास्क हमने लिखे, क्योंकि कंजेक्यूटिवली हमारी 3 छुट्टियाँ आ रही थी और 3 छुट्टियों में वी हैव टू कम्प्लीट आर टास्क। इसी टाइम पीरियड में हमें कंप्लीट करना था और कंप्लीशन के बाद भाई हमें बहुत सारा काम था जो कि हमें वो पेंडिंग काम भी कंप्लीट करना था। तो मतलब फुल एक वो माहौल होता है ना, काम काम काम, तो हमने काम 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 किया। जैसे मिलंग का फेवरेट कप है और कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करते हैं सेशन। फाइनली हमारे अटेंडेंस रजिस्टर का काम हो गया है ख़त्म, ऑलमोस्ट। तो अब हम जाएंगे अपने इस कबाड़ खाने की सफाई करने के लिए, क्योंकि जो हेड ऑफ होम है वो हमें कमरा बदल कर सकती है। तो इससे पहले वो कमरा बदल करें हमें पूरे कबाड़ खाने की सफाई कर लेते हैं। इट्स अराउंड 7:15 PM और भाई इतना पढ़ने के बाद एक्सॉस्ट हो गया। अच्छा जी, जितनी मुझे बचपन में पढ़ाई से नफरत थी, मेरी किस्मत में किताबें उतनी लिखी गई, मतलब कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पहले ख़ुद के लिए अब बच्चों के लिए। इन शॉर्ट ये जो किताबों और मेरे दरमियान का रिश्ता है ये एक अटूट रिश्ता है जो कि ये बंधन कभी टूट नहीं सकता। तो जानी ये है हमारे घर का मोस्ट रिस्पेक्टफुल सिटीज़न मेंबर जो कि अभी देवदास वाली कंडीशन में था, जो भी इसको मैं बुला रही थी ये सुन नहीं रही थी और साइड बाय साइड इसके साथ खेलने की कोशिश की, पता नहीं इसे क्या हुआ था। तो आज के टास्क में एक टास्क ये भी था कि आई हैव टू कवर माय होल लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसमें मेरा अटेंडेंस रजिस्टर आता है। अच्छा तो इसको हम अटेंडेंस रजिस्टर को कर लेते हैं पैक। अच्छा एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि टीचर्स जो होते हैं, आपको ज़्यादा इलाका है लेकिन आप बर्दाश्त कीजिए, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ टीचिंग की हद तक नहीं होते, टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये आफ्टर टीचिंग सो मेनी स्कूल्स ये बात सीखी है और बहुत सारे लोग इसे एग्री करेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि टीचिंग कर चुके हैं। तो पाकिस्तान का भाई यही हिसाब है, बाकी आपको कंट्री आई डोंट नो अबाउट द क्राइटेरिया फॉर द टीचर्स, बट पाकिस्तान में तो यही है। अच्छा जी, तो प्राइवेट स्कूल्स का ये हाल है कि यहाँ पे टीचर्स से कुछ ओवर ही काम करवाया जाता है, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे काम करवाया जाता है। तो ये भाई वी हैव टू डू दिस और यहाँ पे बस हमारी ये जो फिनी ने हमें बहुत तंग किया क्योंकि अभी ये फुल एक्टिव फॉर्म में थी और माशाल्लाह अभी तो बैठी हुई हैं, लेकिन आगे इन्होंने जो हरकतें की वो आप देख सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप दिल से कोई चीज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ उसे किसी मतलब रिश्तेदारों के लिए, लोगों के लिए, या आप अगर किसी ट्रॉमा कंडीशन से गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में भी आप ट्राई करें कि वो चीज़ करते रहें, छोड़ना नहीं है, नेवर गिव अप, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि बाद में जो रिग्रेट होता है वो रिग्रेट बहुत भारी होता है। इस वजह से तो आपको चाहिए, हम सबको, मुझ समेत, मेरी लाइफ का ये सबक है कि भाई करते रहो काम जो आपको पसंद है। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है।